सो हेलो एंड वेलकम टू दी ये वीडियो मतलब ऐसा नहीं कि आप इसमें मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग और अदर देन टॉपिक। इस तरह की वीडियो में मैं जनरली डिस्कस करता हूँ कि जो मेरे लाइफ में अभी चालू है चीज़ें, जो मैं सीख रहा हूँ एज अ ऑब्जर्वर। मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, तो जिस जो मुझे ऐसा कुछ इंस्पायर करती है फिर कुछ बताती है, तो मैं उसको ऐसा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों तक ये बातें पहुँचे और कुछ अगर आप तक इंफॉर्मेटिव पहुँच रहा है तो उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा किया, डिलीवर किया, एक एक आध दिन अच्छा गया अपना। तो इस वीडियो में मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ कि ये वीडियो लंबी बने, क्योंकि मैं अपने दिल से बात करता हूँ, जो मैं सीखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो देखते नहीं, और वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ये चालू किया था कि मैं सिर्फ बातें करूँ कैमरा से, या फिर जो मेरे दिल की बात है वो मैं डिलीवर कर सकूँ। तो फर्स्ट टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि इट्स ओके इफ़ यू डोंट नो, ओके इट्स ओके इफ़ यू डोंट नो, ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। दूसरा होने वाला है टीम वर्क। तो टीम वर्क क्या है, क्यों है? दूसरा कॉलेज अटेंडेंस को लेकर, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है अभी फिलहाल के लिए हमारे सब के बीच में। फिर बेसिक्स, बेसिक्स क्या है, क्यों है, और फिर कंप्यूटर की तैयारी और उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मेरी चीज़ें, मैंने क्या पढ़ा, सीखा, समझा। तो पहले इट्स ओके इफ़ यू डोंट नो, इसका मतलब क्या है, क्यों है, और समझेंगे कि क्या है। तो देखिए अभी मैं जैसे कि कंप्यूटर की तैयारी अपना गेट, तो एज अ सिविल इंजीनियर मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, तो ऑब्वियस है कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव को मेरे को टारगेट करना है और क्रैक करना है फिर फ्यूचर। तो इसमें क्या है कि देखिए कभी कभी मुझे कोई चीज़ कुछ कोई लोग पूछते कि ये कैसा है, वो कैसा है, तो फिर मुझे नहीं आता वो चीज़ें। कभी कभार होती है कोई मुझे कुछ चीज़ें पूछ लेता ले लेता है जो एज अ सिविल इंजीनियर मुझे को समझना चाहिए, लेकिन होता नहीं कि यार नहीं आ रहा ना, नहीं आता तो क्या करें। तो फिर इसमें मॉरल डाउन नहीं कर लेना, कि डिमोटिवेट नहीं होना कि भाई यार इसने तो सिंपल चीज़ पूछ ली तो आ क्यों नहीं रही भाई, ऐसा वगैरह। एक बार मतलब ये काफ़ी फेमस टॉपिक है, मैं 2-3 बार इस चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरा वाइवा चालू होता RCC का, और सर ने मुझे पूछा था, एक वाइवा था तो उसमें मुझे पूछा गया कि जो आपके एग्रीगेट होते हैं उसका नॉमिनल साइज़ क्या होती है, आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा कि क्या कहा था, 5 5 mm कहा था मैंने, 5 mm। तो ये काफ़ी मतलब 5 mm बहुत ही कम चीज ये होती है, मतलब नॉर्मली अगर आप एग्रीगेट को हाथ में लोगे तो आप बता दोगे कि हाँ भाई इसका 40 mm, 4 सेंटीमीटर है ना, इतना हो सकता है, या फिर 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। मैंने कहा कि 5 mm, एक्चुअली मुझे 5 सेंटीमीटर कहना था, लेकिन तो उसका मुझे काफ़ी देर तक ऐसा बुरा लगा चीज़ को लेकर कि भाई ये अपन ने क्या कर दिया, और मैं इतना फैसिनेट फ्रस्ट्रेट हो गई भाई। लेकिन ठीक है, वो एक टाइम बैन था जब मुझे सिर्फ चीज़ों की रियलाइजेशन नहीं थी। फिर जो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया मेरे सीनियर्स के साथ, मेरे जो अच्छे टीचर्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ मैंने बात की इसको लेकर। फिर मुझे पता चला हमारे गजानन सर से कि भाई देख ऐसा चीज़ है कि तुझे हर चीज़ की नॉलेज हो, ये मतलब थोड़ा अलग है लेकिन सिमिलर बिहेव करता है टॉपिक, कि हर चीज़ का अगर तुझे नॉलेज होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, सिविल इंजीनियरिंग कहे या फिर जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, वो इतने वास्ट होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाए। कि अभी जैसे मैं गेट का पढ़ रहा हूँ, मेरे सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो हर टॉपिक जो है मुझे पूछा जाए वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, तो फिर नहीं आता कभी कभार, तो वो आपको उसमें मॉरल डाउन नहीं करना है, हाँ भाई नहीं आता तो नहीं आता। और जो चीज़ें हैं कि जैसा कि अभी मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसा मालूम नहीं, अभी मेरे जस्ट ट्राई किया है, तो मेरे साथ काफ़ी ऐसा होता है और आपके साथ भी होता है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, होता है ऐसी चीज़ें, मेरे साथ भी होती है, तुम्हारे साथ भी होती होंगी। तो चीज़ों को प्रिपेयर करें, अगर नहीं आती चीज़ें तो समझिए उसको कि क्यों नहीं आती और कैसे होगा कि वो आपको आ जाए। SSC वाले मेरे दोस्त हैं जो SSC JEE प्रिपेयर कर रहे हैं, MPSC वाले हैं, तो उनके साथ भी मेरा ऐसे डिस्कशन होता है, उनके साथ भी मैं कभी कभी क्वेश्चन आंसर करता हूँ, तो उनका भी ऐसा ही रहता है कि कुछ चीज़ें आती है कुछ नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब देखिए अगर आप साल भर पढ़ाई कर रहे हैं फिर आपको एक चीज़ पूछी जाए और आपको नहीं आ रही, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई इतना साल भर पढ़ाई की क्या, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो अगर नहीं आ रहा तो फिर तो थोड़ा सा वहाँ पर होता है, लेकिन वो सर ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं होता,
जो चीज़ें हैं वो इतनी वास्ट होती है। सिविल इंजीनियरिंग लीजिए, उसमें एक सब्जेक्ट लीजिए सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर उसमें एक टॉपिक लीजिए, तो इतना बड़ा होता है कि आप हर चीज़ें कवर नहीं कर सकते। इसलिए कि नहीं, किसी भी एग्ज़ाम का एक फिक्स करिकुलम होता है, सिलेबस कहते हैं हम आपको उसको, तो उसके ज़रिए ही आपको एक क्वेश्चन वगैरह आंसर पेपर में आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको एक फिक्स करिकुलम के जरिए, सिलेबस के जरिए जाना पड़ता है और उसी के रिलेटेड आपको टॉपिक्स पूछा जाएगा। अब मुझे अगर किसी ने मतलब ऐसे देखिए, अभी मैं गेट का प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मोस्ट ऑफ द एक बुक है, एक सिलेबस है फिक्स, उसके जरिए पूछा जाएगा। अगर किसी ने मुझे पूछ लिया कि भाखड़ा डैम किस रिवर पर है, तो कभी कभी नहीं आती हुई चीज़ें वो, क्योंकि वो एज अ मतलब सिविल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो नहीं पढ़ सकता ना आदमी। और वैसी चीज़ें तो जीके में मतलब जनरल एज एन जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है कि नहीं आता। तो ये चीज़ है, काफ़ी मतलब ये चीज़ बताने के लिए मैंने 6 मिनट ले लिए, लेकिन दैट्स नॉट अ पॉइंट। पॉइंट इज़ दैट कि इफ़ यू डोंट नो लेट इट बी, कुछ नहीं होता। जानिए उसके बारे में, लेकिन मॉरल डाउन मत कीजिए। भले ही आपका 1 साल की तैयारी हो, 2 साल की हो, होती है। IAS भी बन चुकी है अभी, मैंने भी काफ़ी IAS के, मैं जनरली एज अ सिविल इंजीनियर में इंजीनियर्स के कम और IAS ऑफिसर्स के, उनके ज़्यादा जो टॉक्स होते हैं वो देखता हूँ। और अभी मैंने बीच में काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स के, हमारे जो सिविल इंजीनियर के है, मैंने लिखा था एक इसमें, अभी जो 2000 पढ़ा था मैंने, रुको रुको मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक अपने सिलेबस में लिखा था, दैट्स तो यहाँ पर बताता हूँ, रुको रुको आप भी देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियर तो ये मस्त है आपको जानना। हाँ, तो 2020 का है एक, ईशान गौतम, 2022 के सॉरी, ईशान गौतम सर है सिविल इंजीनियरिंग में से, उन्होंने जो ESE है वो पहला क्रमांक प्राप्त किया है, फर्स्ट ऑल इंडिया AIR 1 रैंक। फिर 2021 में शुभम अग्रवाल थे, और फिर 2021 में ही एक और सर थे, कार्तिक कौशिक, 2021 में ही। इन दोनों का मैंने एक वीडियो देखा था। और फिर सबसे जो मुझे इम्प्रेस्ड किया, एक सर थे गौरव कुमार वर्मा, 2020 के थे, इनका मैंने एक वीडियो देखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है। काफ़ी उन्होंने टॉपिक्स बताए थे किस तरह से आपको चीज़ें प्लान करने, क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और उन्होंने ESE क्रैक किया, वो भी पहले AIR 1 से, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप भी देख सकते हैं ज़्यादातर आप, मैं ऐसा चाहूँगा कि आप जो टॉपर स्टॉक होते हैं वो देखिए, जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हैं आपको। क्योंकि एक साधारण सा बंदा, मतलब वो तो IIT से थे, लेकिन फिर भी इतना मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं, आपकी सेल्फ स्टडी सेल्फ डेडिकेशन मैटर करता है आफ्टर ऑल। और 20% 30% आप कह लीजिए, हाँ कॉलेज का इन्वायरमेंट मैटर करता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आता है टीम वर्क। तो टीम वर्क क्या होते हैं देखिए, ये इसको लेकर मैं काफ़ी मतलब मैं इतना खुश हूँ कि ये मुझे चीज़ समझने को मिली। देखिए कुछ भी ले लीजिए, आपका जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो या फिर जितना भी छोटा प्रोजेक्ट हो, इसमें आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। अभी मैं माइक्रो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें भी हम 5 जन होते हैं, 4 जन होते हैं, और हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इसको टीम वर्क कहते हैं। और यही तो चीज़ है कि अभी हमारा मिनी प्रोजेक्ट था, तो मिनी प्रोजेक्ट में काफ़ी अलग अलग लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट, मतलब क्लास ही जाते हैं, तो हमारे ग्रुप में भी काफ़ी लोग आए। तो फर्स्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे ग्रुप में मैं ही सबसे मतलब होशियार नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ भाई, कि मेरे ऊपर सब बर्डन आने वाला है, सब चीज़ें जो है मुझे करनी पड़ेगी। हालांकि 2-3 दोस्त थे, तो मुझे लगा कि हाँ भाई हम कर सकते, 3-4 2-3 दोस्त थे उनके साथ, मैं 4, तो हम 4 को ही करना पड़ेगा, बाकी जो 8-10 जन है उनको तो बस देख लो भाई, तुम अपना बैठो, क्या करो करना ही नहीं। तो ऐसा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। स्टार्टिंग का जो पहले दिन था, वो मैंने उनको बताया था कि कैसे काम करना है कैसे नहीं, तो वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे इतना, और काफ़ी वर्क बड़ा था। आपने मेरा अगर मिनी प्रोजेक्ट का ब्लॉग दिखाऊंगा, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था वो हमारे लिए एज अ स्टूडेंट। और मेरे पहले दिन में मतलब काफ़ी एग्जर्शन हो गया, बहुत सारा वर्क, और फिर वो जो पानी था एक्वा का, वो मैंने ज़्यादा गटक लिया था, तो तबीयत डिम हो गई थी। और भी मतलब 50 डिग्री सेल्सियस में आप काम करोगे दिन भर, तो होंगी नहीं कि आदमी की तबीयत ख़राब, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं सो के ही था, दिन भर सो के था, एक जगह पकड़ के वहाँ पर सो के था, तो मुझे लगा नहीं था कि मेरे दोस्त कर पाएंगे, लेकिन भाई उनको भी मैं मतलब दाद दूंगा कि उन्होंने काम किया, आधे से ज़्यादा उन्होंने काम कर लिया, भले ही थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन ठीक है, वो मैटर नहीं करता। गलत होना मैटर करता है कि आपने किया, आपने ट्राई किया, ये मैटर करता है। जस्ट अ सेकंड,
तो उन्होंने किया, और मुझे तब पता चला कि एज अ लीडर या फिर कुछ भी कहे, एज अ नॉट अ लीडर बट जो मैंने दोस्तों में देखा है कि भाई इसकी तबीयत खराब है तो हमें ही करना है, तो फिर उन्होंने जो किया वो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि जिनको मैं ऐसा घटिया या फिर बेवकूफ़ जो काम नहीं करते वैसा सोच रहा था, भाई उन्होंने काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि तब हम जिसको ऐसा समझते हैं कभी कभार ऐसा नहीं होता, उनसे मैंने थोड़ा सा ऐसा किया था कि भाई आज मेरे से नहीं होगा प्लीज़ तुम देख लेना, तो उन्होंने किया वही काम, मुझे वो अच्छा लगा। तो ऐसा ही होता है कि टीम वर्क में कभी कभी आप आपकी पोटेंशियल्स दोस्तों की या फिर खुद की नहीं समझ पाते, लेकिन कभी कभी देखना चाहिए, चीज़ों को आजमाना चाहिए, जिस बंदे को नहीं आता उसको आप एक बार पढ़ा के देखिए, समझा के देखिए, क्या पता वो आपसे आगे निकल जाए, या फिर 10% इम्प्रूव मतलब आप इनपुट डालते हो तो आप उसको वो आपको 50% ला के दे, तो ऐसा भी होता है। और टीम वर्क ऐसा कि अब नाम भी लेना पड़ेगा, मतलब एक लड़की है मेरी दोस्त है, अरे यार दोस्त नहीं थी, मतलब मैं क्लास में काफ़ी कम बात करता हूँ लड़कियों से, फिर मैंने बातें चालू की क्योंकि इंजीनियरिंग में यही मकसद था कि हाँ भाई थोड़ा सा जो गर्ल्स के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है वो थोड़ा कम हो और अच्छे से मैं बात कर सकूँ थोड़ा सा। तो वो मिनी प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ कि मुझे मेजरमेंट बुक, ये अपनी सर्विंग बुक होती है मेजरमेंट बुक के सर्विंग, तो ये कि नहीं मुझे फिल करना नहीं आता था, मुझे तब पता चला, मैंने एज अ मतलब जब डिप्लोमा में था तब मैंने काम तो किया था इस पर, लेकिन अब याद नहीं आता ना हर चीज़ें, वही से वही वही कहा मैंने कि इफ़ यू डोंट नो इट्स ओके, तो ये मुझे आता नहीं था, मैंने देखा काफ़ी समझा लेकिन जम ही नहीं रहा था, फिर मेरे को एक लड़की मिली, अब उसका नाम लेना मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी क्या मालूम, बट ठीक है पिछली बार एक वीडियो बना था तो उसमें एक दो लड़कियों का नाम लिया, फिर वो मुझ पर चिल्लाने लगी कि भाई बोले तू नाम कैसे लिया मेरा, तो मैंने बोला आपसे नहीं लूँगा किसी लड़की का नाम अपने वीडियो में, सो अगर बिना पूछे पहले उसे परमिशन लूँगा, फिर अब मैंने परमिशन नहीं ले सकता, अब डायरेक्टली मुझे रिकॉर्ड करना है, तो जैस तो उसने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगा कि ग्रुप में मतलब अब वो अलग ग्रुप की थी तो मुझे लगा अब किसी को पता नहीं है मेजरमेंट बुक का, तो मैं बहुत अपना टेंशन में, फिर मुझे किसी ने बताया कि एक ग्रुप है उनका कंप्लीट हुआ है तो उसमें ही मेरा दोस्त था, तो उससे मुझे पता लगा कि वो लड़की है उसने मेजरमेंट बुक फिल की है, तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड होगा कि भाई एक लड़की है क्लास में और उसने मेजरमेंट बुक फिल की है, तो भाई मैं उसके दौड़ा दौड़ा चला गया, उसके उसके थोड़ा हाथ जोड़ा कि मुझको बता दे कैसा है तो ये करना वगैरह, फिर मुझे उसने समझाया और मुझे तब पता चला कि देखिए हर किसी के पास हिडन टैलेंट है, टीम वर्क इसको ही कहते हैं, कि देखिए कैसा होता है, एक प्रोजेक्ट अलॉट किया जाता है आप सभी को, फिर क्या होता है कि आपको मतलब अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उसके अलग अलग हिस्से करने पड़ते हैं, कि हाँ भाई ये जो हिस्सा है रिसर्च का, फिर एक वर्किंग का, एक टाइपिंग का हिस्सा होता है, एक फिर क्या कहेंगे आप कि प्रेजेंटेशन रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, तो ये अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग एक पार्ट होते हैं हर प्रोजेक्ट के, एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है कभी कभार, तो इसमें हर किसी को मतलब अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, जैसे कि अभी हमारे ग्रुप में हम अगर चार हैं तो मुझे पता है कि मैं अच्छे से रिसर्च कर सकता हूँ, राइटिंग भी वर्क कर सकता हूँ, अगर मेरा दोस्त है तो अच्छे से वो प्रेजेंट प्रिपर मतलब जो पीपीटी रहती है ना वो बना सकता है, तो ऐसे अलग अलग हर किसी के हुनर होते हैं, तो फिर वो वहाँ पर दिखती है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अब मैं मुझे पेपर प्रेजेंटेशन अभी मतलब वो पीपीटी है ना अभी भी बनाना आता है क्योंकि लैपटॉप नहीं है, अब लैपटॉप पे हाथ होता तो फिर समझ आता, मैंने ट्राई किया लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, मैं जब बना रहा था तो मेरे को 2 से 4 घंटे लग गए वो बने को, जब वो बनाने लगा तो भाई उसने आधे घंटे में पूरी पीपीटी बना दी, तो वो होता है एक कि हर किसी के पास अलग अलग टैलेंट है वो जानना पड़ेगा, वो टीम वर्क में ये दिखता है, तो ये टीम वर्क का एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थैंक्स टू दैट गर्ल, उसने मुझे मेजरमेंट बुक सिखाया और उस पर अब मैं वीडियो बनाऊंगा, सबसे पहले उससे मैं परमिशन लूंगा कि भाई मुझे एक वीडियो बनाना है तेरे साथ तो तू ही बता दे, क्योंकि उसका ये इंपॉर्टेंस है, उसने मुझे बताया तो ये उसको इसका श्रेय जाता है, मैं उससे डिस्कस करूंगा मेजरमेंट बुक की उसके साथ लाऊंगा, ठीक है। तो टीम वर्क, आपकी टीम में हर किसी के पास अलग अलग खूबियाँ होती है वो जानिए, और हर किसी के साथ आप डिस्कस कीजिए और ट्राई करिए कि हर हर किसी का आप 50% 50% ले लीजिए, ताकि आपके अच्छी इंप्रूवमेंट हो सके। फिर आता है कॉलेज, कॉलेज अटेंडेंस, कॉलेज अटेंडेंस मैं इस पर नहीं ज़्यादा बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि जो कॉलेजेस होते हैं अभी मतलब मैं तो सेल्फ स्टडी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं कॉलेज में भी जाता हूँ, तो अभी Tier 3 का कॉलेज है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीचर्स कैसे होंगे, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि टीचर से कि वो मुझको आके भाई एकदम IIT लेवल या जो एकदम ऊपर का लेवल का बता दे, ऐसा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे, बस जो नॉर्मल है आप आइए बताइए समझाइए और जितना हो सकता है आप कवर कीजिए, तो
लेकिन क्या है कि जो अभी कॉलेज को लेकर है कि भाई अटेंडेंस पूरी रखो, अटेंडेंस पूरी रखो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं टीचर होता तो यार ऐसा करने की नौबत ही नहीं आती। मैं पढ़ाऊंगा ही ऐसे टीचर्स, मतलब इस तरह से कि स्टूडेंट को लगे कि भाई यार इस बंदे का, मतलब ऐसे है, ऐसे नहीं कि नहीं है। हमारे क्लास में अभी एक पचगाड़ी सर है, उनका तो डर ही काफ़ी है। लेकिन एक टीचर है जैसे सगने मैम थी, फिर एक कोल्ले सर करके थे, वो भी सर ऐसे थे कि उनका मतलब ऐसा दिल लगता था उनके क्लास में बैठने को, कोई लेट नहीं आता था, सर से पहले आते थे, और वो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त टीचिंग स्टाइल था उनका। उन्होंने पढ़ाया, उनकी वजह से जो एक थोड़ा सा स्ट्रांग बना है। तो इस तरह से होता है, अगर आप एज अ टीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करते हो टीचिंग में, तो स्टूडेंट भी आपको ऐसे ही डिलीवर करते हैं, अटेंडेंस आप अपसेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि पता होता है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और टीचर्स भी कितने अच्छे हैं, तो वो भी जनरली अब्सेंट नहीं रहते। क्योंकि एज अ माई परस्पेक्टिव, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि जो टीचर है और वो अच्छा पढ़ा रहे तो उनकी क्लासेस ना करूँ, और जो टीचर ऐसे ही होते तो मैं जानबूझ के उनको पढ़ाता हूँ। क्योंकि देखिए यार, एट द एंड की नहीं, देखिए कॉलेज में आपके 4 साल होते हैं, अभी मेरा आगे का साल लास्ट ईयर होना है, फिर उसके बाद कॉलेज आपके साथ मतलब पहचानेंगे भी नहीं। मैं सच में बता रहा, अगर मैं अभी डिप्लोमा की बात करूँ तो वहाँ से अगर मैं होके भी गुजरूँ तो कोई मेरे को पहचानता नहीं, कुछ नहीं। और वही चीज़ें होती है कि जब तक आप कॉलेज में हो तब तक ये फ्रस्ट्रेशन रहता है, ये कॉलेज को हर किसी का ही है। और कॉलेज को होने के बाद कोई कोई आपको गिनता नहीं, और कोई डिस्कस नहीं होता किसी के चीज़ों के लेकर। और यही चीज़ें आपको समझना चाहिए कि अगर आप कॉलेज नहीं कर रहे तो जो नहीं करने वाला टाइम है आपको अच्छे जगह पर इनपुट करना है, ताकि आपका उसका जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा निकले। जैसे कि अभी मैं ज़्यादातर अपना इसी चीज़ में ऐसे जो फालतू यूट्यूब पे वीडियो ऐसे बनाने में टाइम निकाल देता हूँ, और थोड़ा कॉम्पिटिटिव का भी कर लेता हूँ। तो मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि कॉलेज में अगर कुछ लेक्चर होते हैं, जैसे कि काफ़ी ऐसे लेक्चर है जो टीचर है वो डिलीवर करते लेकिन इतना नहीं करते जितना मैं अपना खुद से ही वो एब्जॉर्व कर लेता हूँ। तो ये अपने अपने अलग, और कोई कोई स्टूडेंट होते जो नहीं करना चाहते, तो भाई वो मैं मतलब ये भी बताना चाहता हूँ, भाई उसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो करते नहीं, तो वो कौन होती है जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। और ये कौन होते हैं जिनके पास पैसा है भाई, मतलब मैंने कहा कि ऑफेंड मत हो, लेकिन ये फैक्ट है कि जो पढ़ाई में होशियार नहीं है उनके पास पैसा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई पढ़ाई से ठीक है चलेगा, अपने पास पैसा है, अपन बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, पापा का गल्ला है वो बैठ लेंगे। तो वो कॉमन ऑप्स वगैरह ये कौन डिसाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द जो है बड़े उनके पास पैसे, मतलब तो वही डिस्कस करते हैं। ये क्लिप काफ़ी हेक्टिक होने वाले हैं, लेकिन भाई ये सच्चाई है। और जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो तो जाने जाते ही है, अब ऑनलाइन इतना अच्छा होगा, मैं मतलब मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई करता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि वहाँ पर टीचर्स वगैरह अच्छे हैं और मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। रात को 2 बजे भी अगर मुझे लगा कि भाई आज मैंने मेरा जो डेली टास्क है कंप्लीट नहीं करता, तो फटाक से कर लेता हूँ भाई 2 बजे उठ के भी। तो होता है कॉलेज अटेंडेंस में बस इतना ही कहूँगा कि भाई ठीक है, मैंडेटरी है कॉलेज, और कॉलेज वाले को डर भी है, मालूम है कैसा डर है कि कॉलेज वालों को लगता है अगर अपने इनके साथ जबरदस्ती की कॉलेज का तो कोई भी नहीं आएगा, अगर कोई भी नहीं आएगा तो कॉलेज सुनसान लगेगा, कॉलेज सुनसान लगेगा तो भाई ऐसा ना हो जाए कि कॉलेज बंद ही पड़ जाए। तो ये क्यों होता है, और पेमेंट भी करना पड़ता है इनको टीचर्स को पढ़ाने का ये वगैरह, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है। अब 11वीं 12वीं तो वैसे ही हो रहा है, मेरा भी एक दोस्त है, उन्होंने एक कॉलेज है उसमें एडमिशन ले ली और वो कोटा को गया है। तो वही है ना कि एडमिशन ले लो और फिर अपना करते बैठो, इस तरह इंस्टीट्यूट को मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट उनको पैसा दो वहाँ पर करते बैठो, तो ऐसा भी उनको एक डर रहता है टायर थे कॉलेज, क्योंकि एक दो कॉलेज ऐसे ही बंद पड़ गए हैं। तो ऐसा ही मुझे लगता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन अटेंडेंस कॉलेज ने मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने बिट्स बिलानी का भी एक देखा था कि उन्होंने अभी मैंडेटरी ने कर दिया कि आपको आना है आना, नहीं आना है तो मत आओ, क्योंकि एट द एंड क्या है कि आपका आपको देखना है भाई, कॉलेज आपको कितने मतलब सपोर्ट करेंगे, भाई फाइनल ईयर तक आपके जो है उनका लिखा पढ़ी वो करा देंगे, फिर आपको आपका ही देखना है। और एट द 22 मतलब 17-18 से बच्चे मतलब पूरा क्या बोलते हैं फेमस हो रहे हैं। देखो ना अभी जो एमसी स्टैन है उसने भाई 16-17 से अपनी रैपिंग स्टार्ट करने की, आज 22 साल का, 22 से 23 साल का होगा, उसने पूरा धूम मचा रखी है। ऐसे बहुत से होते हैं जिनको करना होता है ना ये ऐसे फालतू चीज़ें में, मतलब जो अटेंडेंस ठीक है लेकिन सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कॉलेज को जाओ नहीं जाओ एज अ मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन, लेकिन काफ़ी जितने भी बड़े होते हैं मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि भाई कॉलेज में तो आधा से ज़्यादा टाइम पास होता है, और मैंने देखा भी है खुद भी, मैं आजमाता हूँ कॉलेज में बहुत, मतलब अगर 1 घंटे का लेक्चर करो तो उसमें क्या होता है कि आधे का 1 घंटा और बात का 1 घंटा वो दोस्तों के साथ टाइम पास करने में निकल जाता है, ये सच्चाई है।
और फिर है बेसिक्स, तो बेसिक्स पे काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, इतना तो मैंने अभी तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन ठीक है काफ़ी शॉर्ट में हम निपटा देंगे। बेसिक्स मतलब क्या कि देखिए अभी मैं जो है ना मैथमेटिक्स के क्लासेस कर रहा हूँ 8वीं 10वीं की, मेरे थोड़ा मैथ्स वीक था क्योंकि भाई अपन प्राइमरी कॉलेज से आए आपको पता है, तो वहाँ पर अपन ने पढ़ाई नहीं की थी, और कैसे तो भी अभी कैलसी मिल गई डिप्लोमा में, तो कैलसी पर लगे रहे। अभी जो गेट में है वहाँ पर कैलसी अलाउड नहीं है, लेकिन वो जो है कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ता है, तो मैं अभी बेसिक्स को लेकर चल रहा हूँ। साइंस के मैंने केमिस्ट्री नहीं आती थी मुझे, काफ़ी वीक थी, तो वो अभी मैं बेसिक्स, तो बेसिक्स को अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो इतना बड़ा होगा अभी इंजीनियरिंग में हूँ और मैं बेसिक्स को देखूँ आठ, ऐसा नहीं होता भाई, पढ़ाई करना पड़ता है बेसिक्स के हो, क्योंकि मैंने अक्षय जैन का एक वीडियो देखा था, वो बता रहा था कि भाई जब थर्ड ईयर में था बोले और आईएएस के प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने एनसीईआरटी 8वीं 9वीं की पढ़ी थी, तो देखिए इतना होता है। अगर वो कर सकता है तो भाई आप तो कुछ नहीं, आप भी पढ़ाई कर सकते हो, और ऑनलाइन कंटेंट में कहूँगा कि भाई बहुत तगड़ा है। अभी तो जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, लॉकडाउन में इतना कंटेंट आ गया है यूट्यूब पे कि आप बस वीडियो के लिए टॉपिक डालो आपको अच्छे अच्छे लोगों के आ जाएंगे, बस आपको खुद में जिद होनी चाहिए। एक वो है बेसिक को फॉलो करो, अगर नहीं आता तो स्टार्ट करो, इसमें ऐसा कम ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं कि क्यों आ नहीं रहा, क्यों देखो क्या करो। हाँ थोड़े से टीचर से वो मतलब जब अभी उनका एक पर्सपेक्ट होता है ना कि छोटे बच्चों को मतलब 8वीं 9वीं 10वीं के लिए वीडियो बना रहे, तो वो फिर उस तरह से बिहेव करेंगे, तो अगर आप मैच्योर हो तो फिर वो देखेंगे थोड़ा हेक्टिक लगेगा। अभी मैं 10वीं के फिजिक्स वाला के थोड़ा वीडियो देख रहा था, तो वो ऐसे चूते जैसे बिहेव करते हैं, तो मेरे को लगता है कि भाई क्या है ये, वो चीज़ें वो थोड़ा अवॉइड, मतलब आपको खुद से इग्नोर करनी पड़ेंगी, नहीं अदरवाइज जो कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं वो काफ़ी मतलब हैट्स ऑफ है कि काफ़ी अच्छा वो बना रहे। 8वीं 10वीं में पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कंसेप्ट तो मुझे तब पता भी नहीं थे, अभी भी नहीं पता थे, अभी मुझे पता चला। फिर आता है कि कब तक करना चाहिए, तो भाई मैंने ऐसा खुद का एम रखा कि मैं अपने 25 25, हाँ 25 बहुत हो गए कि तब तक मैं अपना कॉम्पिटेटिव की जर्नी स्टार्ट करूँगा, मतलब 22 साल में मैं अभी डिग्री पास आउट हो जाऊँगा, 22 साल मतलब अभी मैं एक अटेम्प्ट दे दूंगा, फिर 3 4 अटेम्प्ट रहेंगे मेरे पास, तो जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूंगा, फिर जब मैं 25 का हो जाऊंगा या फिर 26 बीच में, तो मैं मतलब एक कंपनी ज्वाइन कर लूंगा भाई। तब तक मतलब 25 के बाद अगर मैं कमाने नहीं लगूंगा किसी कंपनी में अगर को कहीं भी, तो काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो मैं ऐसा ड्रीम रखा है कि क्योंकि मैं अभी देखता हूँ मेरे जो साथ के दोस्त कॉम्पिटिटिव वाले तैयारी कर रहे, तो काफ़ी मतलब उनकी एज 25 25 मतलब 28 30 दिखने को मिलती है, वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ कर, और इनका इनकम सोर्स नहीं है काफ़ी ऐसे, तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि भाई आप 25 28 के हो जाओ और फिर आप कमाने नहीं लगो, तो एक लिमिट तय कर लीजिए कि आपको इस कॉम्पिटिटिव के किस में कितना रहना है, और एट द एंड क्या है कि आपको आपके प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद से, कोई नहीं आके बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मैंने अभी अपना जो 3,000 है वो इन्वेस्ट किए बुक्स को परचेस करने में, काफ़ी मतलब 2 महीने मैंने ये सोचा, हालांकि एक दोस्त ने मेरे को 3,000 वाला आया था, वो उन्होंने पट के दे दिया कि भाई ले ले कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा उनका भी इशू था, लेकिन जब ये बात करें तो मैंने 2 महीने लगा लिए कि भाई लेना है कि नहीं लेना है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा मतलब रिक्वायरमेंट थी बुक्स की ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब तक गले पर तक नहीं आते तब तक, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई इसी साल ही ऐसे देना है, फिर प्री का भी मैटर है, तो एटलीस्ट प्री अगर निकल जाए ऐसे की तो फिर अच्छा होगा, कि जब मैं फुल मतलब जब कॉलेज खत्म हो जाएगा फुल स्ट्रेंथ से मैं पढ़ाई करूँगा तो शायद मेंस भी निकल जाए ऐसा कुछ, तो इस तरह से मैंने सोचा अपने 25 तक। आप भी अगर कॉम्पिटेटिव के तैयारी कर रहे थे तो आपका एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए, और ऐसा नहीं कि मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँगा तो फिर पढ़ाई नहीं करूँगा, पढ़ाई तो अब लाइफ लॉन्ग है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, कुछ समझा हो नहीं समझा हो लेकिन ठीक है, जितना भी आपको समझाओ, देखिए एक थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं एट द एंड कि इफ़ यू डोंट नो इट्स ओके इफ़ यू डोंट नो, ठीक है मतलब कि ठीक है भाई नहीं आता तो नहीं आता, कुछ चीज़ें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें आए, अभी पढ़ाई है भाई वो है कि नहीं, पढ़ाई है और चीज़ें होती है, माइनर माइनर मिस्टेक्स हो जाती है, कभी कभार नहीं आता, टीम वर्क, और टीम वर्क में क्या कि आप ऐसा मत सोचिए कि हर चीज़ आपको अकेले को करनी है, कि दुनिया में सभी चीज़ें आपको अकेले को आना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए, आपको मेजरमेंट बुक सिविल साइट पे साइट इंजीनियर का काम सब सब, ऐसा नहीं होता, आपको एक टॉपिक पकड़ना है और उसके पीछे लग जाना है। विराट कोहली क्रिकेट पीछे पड़ गया, एमसी स्टैंड रैपिंग पीछे पड़ गया, और किंग भाई वो तो कुछ नहीं था आदमी, आज इतना बड़ा है कि निक जोनस उस पर गाने बना रहा है, उसके गाने बना रहा है, और हर किसी का अलग अलग होता है जॉनरा,
अगर विकास दीवे गए थे, खान सर देखिए, मैं उतना वो फॉलो नहीं करता इसको, ओझा सर को, लेकिन ठीक है। फिर अलक पांडे, ठीक है वो तो आदमी ही अलग है भाई, मैं उनका कभी क्लास नहीं किया लेकिन उनको दिल से मानता हूँ कि जो उन्होंने स्टूडेंट के लिए किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। तो ये होता है कि अलग अलग आपका जॉनर, अलग अलग आपका जॉनर होता है और आपको उसमें ही टफ बनना है। अगर सिविल इंजीनियरिंग तो उसमें भी काफ़ी अलग अलग, ऐसे इतना बड़ा सिलेबस है उसका या फिर स्ट्रीम है, ये कोर सब्जेक्ट कहेंगे आफ्टर ऑल, तो आपको एक पकड़ना है, आपको हाईवे इंजीनियर बनना है तो उसमें आप महारत हासिल कीजिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर उसमें महारत, अर्थक्वेक उसमें ज़रूरी है कि फिर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अलग अलग अगर नहीं आती तो कोई नहीं, और आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर कॉलेज अटेंडेंस करिए नहीं करिए आपका डिसीजन है, क्योंकि एट द एंड आपको ही भुगतना है। अगर आपका अच्छे टीचर डिलीवर कर रहे हैं तो आप उसकी करिए, नहीं कर रहे तो फिर आप अपना देखिए 55 8 मतलब 56 57 70 तक भी अटेंडेंस आपकी चल जाएंगी, 12th कॉलेज में 50 भी चल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। फिर सिर्फ थोड़ा सा आपको फिर टीचर के साथ बर्ताव अच्छा रखना है, असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करने, और बेसिक्स, बेसिक्स में क्या कि आपका अगर बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो बेसिक्स स्ट्रांग बनाइए। उसमें कुछ ये नहीं है कि भाई मैं 8वीं 10वीं की वीडियो क्यों देखूँ, मैं तो इंजीनियरिंग में हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। और कॉम्पिटिटिव आप अपनी लिमिट जो है और तय कर लीजिए कब तक करना है कब तक नहीं, और धूम मचाइए, फोड़ दीजिए आपके लाइफ में, तबाही मचा दीजिए, और यही है। और अगली वीडियो में के बारे में थोड़ा सा कि मेजरमेंट बुक पे उसको, वो जो हमारे दोस्त थे उनके साथ में बात करके आपको बताता हूँ मेजरमेंट बुक पे कब तक वीडियो आएंगी। फिर एक आएंगे कि जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, फिर लोड फैक्टर है, ऐसा है दो चार चीज़ें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके, तो इस पर एक वीडियो आ जाएंगी। ऐसे दो चार वीडियो पे मैं चालू है काम, और एक बीम के ऊपर है, वहाँ पर देख रहे होंगे वो बीम्स है, तो इसके ऊपर भी आ जाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, डैट्स ओके।